वाव नेहा, तेरे पास तो खुद ही आ गई, मैं इसको पकड़ रहा था, मेरे पास नहीं आई। वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज फिर से एक नई सुबह, सबसे पहले सुबह का रूटीन फॉलो हो रहा है और नेहा पहुंच चुकी है बाहर यहाँ पे पोछा मारने। आज आप यहाँ पे भी पोछा मार रहे हो? इतने दिन से ना मौसम खुल नहीं रहा था, तो हाँ, आज खुला है ना, तो आज तो वैसे भी थोड़ा सा मौसम कट चुका है। और अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं और सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो ये देखो आज शिमला कितना खूबसूरत लग रहा है फिर से। और ये देखो इधर से बादल कट चुके हैं। सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो अभी बादल जो है मंदिर के आगे ही है, बट ओवरऑल जो शिमला है ना वो काफ़ी गजब लग रहा है। ये देखो वाओ। तो उम्मीद ये है कि शायद मौसम खुल जाएगा क्योंकि हल्की सी धूप भी आई है। नेहा ने तो सुबह सुबह ही जो है ना शुरू कर दिया है अपना काम। हो गया आपका कम्प्लीट? कपड़े धोने। चलो ठीक है, ब्रेकफास्ट में भी सिर्फ चपातियाँ रह गई है, तब तक आप दूध पी लो, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके जी। आई होप आपको छोटू अक्षय और छोटू नेहा की फोटो फ्रेम अच्छी लगी। सही बात है। तो हमने सोचा था, अभी एक और थॉट है हमारे अंदर, वो हम आपको बाद में बताएंगे, वो फ्रेम भी हम डेवलप कराएंगे। तो वो तो आने वाले टाइम पे। अब एक छोटू सी लड्डू गोपाल जी की लेंगे, वो हम जन्माष्टमी के नजदीक में लेंगे, छोटू सी फोटो फ्रेम, वो मैं अपने सामने रखूंगी। ठीक है, डन। क्या बात है, ये ब्रेकफास्ट से पहले ये क्या व्यापार खोल दिया आपने। अच्छा मैं समझ गया, वो बाहर वाला शू है कि उसकी कंडीशन खराब हो चुकी है। मैंने आपको बोला था ये कैसे लगेंगे, और ये बड़े संभल के लगाने पड़ेंगे आपको। तो मेरे को अगर 5 मिनट देते हो, मैं नहा के आता हूँ। मैंने पिछले घंटे से वो 5 मिनट ही दिए, कुछ ना कुछ काम करते रह रहे। यार मुझे थोड़े छोटे छोटे काम दे। अब मैं बोल तो रहा हूँ आपको, मैं बस नहा के आता हूँ, एकदम जोड़ दूंगा सारा, क्योंकि ये मैंने बहुत बार जोड़ा है तो मेरे को आइडिया है। और आपको बहुत टाइम लग जाएगा और ये टूट भी जाते हैं इसके, अगर मैं बताऊँ आपको। क्या ये? हाँ ये नहीं, ये नहीं, ये जो इसके क्लिप्स है, हाँ इसको आराम से लगाना पड़ता है। जल्दी जल्दी। और ये बड़ा बनेगा ना, इसके कम से कम 5-6 फ्लोर्स आप ये कर सकते हो तब तक। पता क्या, जैसे आपने ये बनाया ना, वैसे ही इन सब में दो दो डंडे डाल दो, जो सीधे पट्टे, ये सीधे वाले। हाँ फिर मैं जोड़ दूंगा, तब तक अगर कुछ करना ही है आपने। अरे वाह क्या बात है, मान गया आपको, 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर आपने लगा दिए। मेरे ख्याल से इसके बाद लास्ट फ्लोर है। ये छोटा है उससे जो बाहर था ना, वो छोटा, हाँ वो इससे बड़ा था वो, तो वो टूटने का डर रहा था, छोटे ठीक है। चलो देख लेते, ये भी ट्राई कर लेते इस बारी। अच्छा, चलो मैं हेल्प करता हूँ आपकी इसको पूरा बनाने में। तो अपना शू रैक हो चुका है बिल्कुल तैयार। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ना बॉक्स बने और ये बॉक्स ना खुल जाते हैं, तो आप पर्टिकुलर वही चीज़, वही बॉक्स खोल सकते हैं जिससे आपको शू चाहिए। नहीं तो पहले वाले में क्या था, पूरी जिप थी, यूं घूम के खुलती थी, तो क्या होता था बार बार जिप पूरी खोलनी पड़ती थी, इस वजह से वो ख़राब भी हो गया, टूट भी गया। अब हमारे को यह है कि जहाँ से निकालना है बस ऐसे किया, वहीं से जूता निकाला और बंद कर दिया। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ पुराने वाले की कंडीशन क्या हो गए। ये हमारा ब्रांड न्यू, और ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है 6 बॉक्स वाला, ठीक है फिलहाल के लिए। तो देखो इसकी बात कर रहा था मैं, इसकी जिप ना ऐसे यहाँ से घूम के लगती थी, ख़त्म ही हो गया धूप में ये, और कैसी हालत हो गई, टेढ़ा हो गया। अब शू रैक बन तो गया था, तो पहले सोचा कि शिफ्ट ही कर देते हैं, क्योंकि इसकी हालत तो इतनी ख़राब हो चुकी है। ओह खत्म हो चुका है, इसमें एक्वा गार्ड है। वाह ये तो इसी की हाइट का लग रहा है, पहले वाला ना काफी ऊंचा था, अब ये ठीक हो गया। वो उल्टा लगा हुआ था। कैसे उल्टा? जो नोक थी ना वो निचली साइड पे थी, इसलिए शायद वो जल्दी टूट जाता था, अब शायद ठीक है। और सबसे अच्छी चीज ये कि जहाँ से भी निकालना है ना वही वाला वो खोलना है। बस ये धूप और डस्ट से खराब हो जाता है, वो दिक्कत है। ऊपर वाले में आपने कोई शूज नहीं रखा? ये सिर्फ ऐसे ही रखा है, इसमें वो पैकेट सी है, क्योंकि अब तो इतनी खुली स्पेस बन गई, इसमें भी बहुत अच्छे से आगे, उसमें भी एडजस्ट हो गया, अभी भी जगह है। एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा शूज अक्षय के ही है। नहीं ऐसा हो नहीं हो सकता, इनके कम से कम 4-5 जोड़ी शायद इनकी फॉर्मल शूज की है, जो थोड़े से डेली यूज वाले है वो शूज ज्यादा नहीं। कितने फॉर्मल शूज क्यों लिए आपने? पहले फॉर्मल भी बहुत पहनता था ना मैं। अच्छा। इस वजह से मम्मी पापा और मेरे तो सबसे कम जूते। वाह सेकंड शर्ट भी पहन ली। वाह तो ये है वो सेकंड शर्ट अक्षय की, और साथ में वो जो जो कूड़ा है था, सारा लेके जाना पड़ा। हाँ और अभी प्लान ये है कि एक भाई आ रहे हैं हमसे मिलने, यूट्यूब फैमिली मेंबर ही है, तो काफी टाइम से बोल रहे थे, मैं सोचा कि चलो आज मिल लेते,
और फिर उन्होंने चले जाना है वापस, और वो शायद चंबा से आए, और अभी फिर उसके बाद जाना है संजौली। संजौली आना वो अभी बताते हैं। ठीक है, तो अभी वो सब्सक्राइबर तो हमसे मिले नहीं है, अभी शायद वो आ रहे होंगे। तो उससे पहले हमने सोचा कि हम गाड़ी में अपने टायरों में हवा भरा देते हैं। हाँ, हवा भी और थोड़ा सा पेट्रोल भी भराना है। अच्छा, क्योंकि वो भी खत्म है, तब तक जब तक भाई आएंगे तब तक हो जाएगा। चलो ठीक है। मेरा क्लिप ऑन गिर चुका है गाड़ी में, यहाँ पे चलो उसको ढूंढो। तो हमें मिल चुके हैं मोविन भाई। हेलो, कैसे आप? ठीक भैया, बढ़िया। तो मोविन भाई भी ब्लॉग्स बनाते हैं, मोविन ब्लॉग्स के नाम से है, और बेसिकली आप चंबा से हो? जी भैया, चंबा से। बहुत अच्छा लगा कि आप इतने दूर तक हमसे मिलने आए, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और थैंक यू तो आपका भैया कि आपने टाइम। अरे नहीं नहीं, जब आप इतने प्यार से बोल रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम तो निकालना चाहिए, तो थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू भैया। थैंक यू भाई। थोड़ी चॉकलेट्स वगैरह लाए हूं आपके लिए और भाभी के लिए। थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू। तो फिर कुछ चंबा का स्पेशल लेके आऊंगा आपके लिए। इंतजार करेंगे हम कुछ चंबा का स्पेशल का, और जरूर मिलेंगे आपसे। और मदरा भी, आप तो पैकिंग में आ रहा है, मदरा तो मदरा भी लेके आ सकता हूं मैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तहे दिल से शुक्रिया अदा। कैसा लगा नेहा मोविन भाई से मिलके? अच्छा, मैं जब गाड़ी में अभी बैठी थी ना, तो वो शूट कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ये भी यूट्यूबर होंगे, तभी मैंने पूछा, मैंने कहा, वो कहते हाँ, मैंने कहा ओके ओके। तो हमारे लिए गिफ्ट भी ले गए, और अभी वादा करके गए हैं कि जल्दी वापस आएंगे चंबा की कोई स्पेशल चीज लेके। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हो, समझते हो कि भाई वैल्यूएबल है हमें चीजें देना, और आप इतना प्यार दिखाते हो ना, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। गिफ्ट्स ऐसा नहीं है कि हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि आप गिफ्ट्स लेके आओ, आप ऐसे भी मिल सकते हो, नॉर्मली मिलो, हेलो हाय, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दिखते हैं आप रोक सकते हो। हाँ। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमने आपको देखा पर हिम्मत नहीं हुई, अरे कोई बात नहीं, हम घर के आदमी, पूरी हिम्मत के साथ मिलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यस, भैया मिले थे, बहुत नाइस थे, बहुत अच्छे थे, मैं तो ज्यादा मिल भी नहीं पाई, अक्षय मिले हैं तो। क्योंकि एक्चुअली ऐसा था कि जब हम आए उस टाइम ट्रैफिक नहीं था, जब भाई पहुंचे तो बहुत ट्रैफिक हो गया था, तो मुझे उसी साइड जाके मिलना पड़ा उनसे। पर चलो, और कोई भी मिलना चाहता है तो आप मिलो हमें, हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, अभी वैसे भी हम लोग कहीं ज्यादा बाहर जा नहीं रहे, यहीं पे है, तो हम लोग सिटी में किसी से भी मिल सकते हैं, आप लोग आराम से आओ, तो कहीं भी हम आके आपसे मिल लेंगे। बढ़िया, तो चलो अभी हम लोग को जाना है संजौली, तो निकलते हैं। तो संजौली हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नेहा ने लेनी है राखी अपने भाइयों के लिए, तो आज बाहर आना तो था ही, तो सोचा चलो राखी भी लेके रखते हैं। चलो अपना काम निपट जाएगा। और संजौली में इसलिए क्योंकि वहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी एक ही जगह पे, और मॉल रोड थोड़ा सा दूर हो जाता है, और पिछले कल मॉल रोड ही थे, इसलिए हमने सोचा कि संजौली जाते। आज तो पार्किंग सेकंड फ्लोर पे मिल गई, क्यों ज्यादा नहीं चलना पड़ा। तो अभी हम लोग देखते हैं संजौली मार्केट में हमें क्या क्या मिलता है। वैसे हमें कहाँ से लेना है, मेन मार्केट में अंदर जाना है या फिर स्टार्टिंग में मिल जाएगा? आज संजौली में देखो दिन में इतनी चहल पहल शुरू हो चुकी है, और ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है, और रक्षाबंधन आने वाला है ना, इसलिए सारे लोग जो है ना बाहर ही है, कुछ ना कुछ परचेजिंग कर रहे, कुछ ना कुछ ले रहे। वाह, हर जगह जो है ना, देखो किस तरह से स्टॉल लगे राखी राखी के। पर हम लोग यहाँ से कहीं आगे जा रहे हैं, नेहा बुरी आगे जाएंगे, और साथ में ट्रैफिक भी है, तो इसलिए चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कहाँ जाना है यहाँ? अमर टैक्स। चलो, वैसे लेना क्या है हमने? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, वो नहीं है यहाँ पे, नहीं, हितविक जाना पड़ेगा। तो चलो जो बेसिक सामान और है वो ले लेते हैं। हाँ। तो घूम फिर के इन्हीं स्टॉल्स पे पहुंच गए आप हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छी कलेक्शंस है राखी की, वाव वैरायटीज। यहाँ पार्किंग के ऑपोजिट एक अच्छा कैफे है खोबलू, तो यहाँ पे जाके हम लोग सोचे के कुछ ट्राई करते हैं। चले आओ, और यहाँ पे बढ़िया एकदम एंट्री गेट लगा है, और यहाँ पे आप अपने पेट्स भी लेके आ सकते हो। पहले भी आए हैं हम यहाँ पे? हाँ, पहली बार आ रहे हो ऐसा? ओह, नेहा पहली बार आ रही है, चलो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम सब ही आए। हाँ, चलो फिर, ये देखो यहाँ से अंदर इस तरह से एंट्री है, और यहाँ पे आप अपने पेट्स रख सकते हो, और यहाँ पे देखो लिखा है मीना बाग फार्म कैफे खोबलू। तो अभी अंदर भी है सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाहर भी है, तो अभी यहाँ पे अंदर बुक है, फुल है, तो हमने सोचा कि हम यहाँ बाहर बैठेंगे। यहाँ पे फ़ायदा बताया गया, यहाँ से आप ट्रैफिक देख सकते हो, लोगों को देख सकते हो, और साथ में एंजॉय कर सकते हो अपनी मील। यहाँ पे नेहा के लिए तो अच्छा है। क्या हुआ? बिल्ली कहाँ है? आ जा,
तो कंफर्टेबल है यहाँ? ठीक है। वाव नेहा, तेरे पास तो खुद ही आ गई, मैं इसको पकड़ रहा था, मेरे पास नहीं आई। वाह मजा आ गया। मैं और इतनी सुंदर बिल्ली है, ये लगता है इनकी पालतू। मैं नहीं बुलाई, मैं सिर्फ थोड़ा सा यार सीधा डायरेक्ट गोद में बैठी। अबे तेरे को प्यार कर दिए। वाह यहाँ पे साथ, यहाँ पे ना साथ में बस स्टॉप भी है, तो आपको ये आवाज़ें आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को छेड़ रहा है, ये बस को घुमाने के लिए और रोकने के लिए सीटियाँ बजाई जा रही है। हाँ जी बैठ गई शांत। क्या कोशिश कर रहे हो, खेलेगी ऐसा ये? हाँ हाँ इसको छोड़ ही नहीं रही बैग को ये। इसको लग रहा होगा ये चूहे की पूंछ है ना। खा लो कुछ, सिद्धू खाना क्या कर, ये माश का। हाँ माश का है, और नेहा कहती लेके आ जाओ, मैंने कहा यार माश का आप खाते नहीं हो। मैंने सुना नहीं ना पहले। हाँ अच्छा मैं कर नहीं रहने तो, फिर मैं अक्षय से थोड़े से राजमा खा लूंगी, मेरा मन नहीं कर। और ये यहाँ पे सो गए, बेहोश हो गए। सही बात है, अभी देखते को धक्का मार रही हो गया। यहाँ पे अच्छी चीज पता क्या है, एक आप यहाँ से ना देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ लगी है, और यहाँ से नजदीक भी है आपने अपने अगर पार्किंग में जाना है। हाँ मतलब मेरे को खुद भी अच्छा लगा, यूनिक। और ये बाहर वाली गैलरी ना ये भी अच्छी है, और ऐसा ऐसा ओपन है आगे उस साइड को भी है। हाँ तो अपना खाना आ चुका है, मैंने ऑर्डर किया है राजमा एंड राइस। तो लंच टाइम हो चुका है, सोचा कि थोड़ा सा सिंपल खाते हैं, क्योंकि कल भी हम लोगों ने बाहर पिज्ज़ा खाया था। अभी नेहा गई है वॉशरूम, तो बिल्ली को आ चुकी है स्मेल। खाना है बेटू आपको भी थोड़ा सा? चलो इसको भी देखते हैं थोड़ा सा देंगे। तो अभी नेहा का वेट कर लेता हूँ मैं तब तक। जो ये राजमा है ना वो घरेलू राजमा है, ऐसा कुछ है, और इसका टेस्ट बालड़ी है, मतलब इसमें ये है बालड़ी बेसिकली, और इसका टेस्ट जो है ना मस्त एकदम है ना, चटपटा बना है। तो एक बार ज़रूर खोबलू आए और यहाँ का खाना ट्राई करें, मैं तो ये बोलूँगा। और इस टाइम पे लंच टाइम हुआ है, परफेक्ट खाना है, मज़ा आ गया यार। जो फूड था ना ऑसम था, और हाँ घर वाली फील थी। कल हम लोगों ने जंक खाया था, इसलिए सोचा आज थोड़ा सा नॉर्मल घर का ही खाते। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ना कि शिमला में कहाँ अच्छा खाने का मिलेगा, तो भाई संजौली में आप लोगों को पार्किंग की पार्किंग मिलेगी, खाने का खाना मिलेगा। मैक्सिमम शिमला में जो टेंशन है ना वो है पार्किंग। यहाँ पे मुंह के सामने इतनी बड़ी पार्किंग है, सामने रेस्टोरेंट है, और खाना ज़बरदस्त मिलेगा। और काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमने ट्रेडिशनल खाना है शिमला का, जैसे सिड्डू है, ये सब कहाँ मिलेगा? खोबलू में आपको सब मिलेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने संजौली आना है, पार्किंग में गाड़ी लगानी है, खोबलू जाना है और इन्जॉय करना है। और जब भी कोई खोबलू जाए तो ज़रूर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको खाना कैसा लगा। एम्बियंस वाह, राजमा चावल, राजमा बहुत टेस्टी थी, घर वाली राजमा थी तो घर में लगाते हैं। और नेहा मेरे को बोल भी रही थी शायद इसमें घी का तड़का लगता है, और वो मैंने पूछा भी घी का ही तड़का लगता है, बहुत टेस्टी थी। तभी कुछ और ऑर्डर नहीं किया मैंने, बोला चलो राजमा चावल आ रहे हैं तो उससे हमारा पेट भर गया, बहुत टेस्टी। वो अंदर से भी बहुत अच्छा, आप लोग कभी आओ अंदर जाओ और आप देखो अंदर का एम्बियंस कैसा है, आपको मजा आएगा। जो लोग शिमला में रहते आज तक नहीं गए वो भी जरूर जाए, और जो बाहर से आ रहे वो भी ट्राई करें। तो हम पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं, ये देखो सामने है कैफे खोबलू, फूड म्यूजिक कॉफी एंड केक्स। बस अब सारे काम हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं हम लोग घर को वापस। तो प्लान थोड़ा सा चेंज हो चुका है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, सुबह हमने हवा भराई थी तो पेट्रोल नहीं भराया था वहाँ से। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे बढ़िया मिलता है आगे, तो वहाँ जाके हम लोग पेट्रोल भराएंगे और फिर बाईपास से डायरेक्ट घर निकल जाएंगे। बाईपास से ही चले मैं? हाँ सही कह रहे हो आप, क्योंकि हमें यहाँ से वापस आना पड़ेगा, तब तक इतना ट्रैफिक हो जाएगा, इस अच्छा बाईपास से घर निकल जाएंगे। राजमा चावल इतने अच्छे थे, डाइजेस्ट जल्दी हो गया ना इसलिए वो इतने अच्छे थे। और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे ना आपको एक पहाड़ी ड्रेस मिलेगी, जो लोगों ने पहनी है ढाटू मिलेगा, और लड़कों ने टोपी पहनी है, फीमेल ने ढाटू। अक्षय को मेरे को लगता है खोबलू इतना पसंद आ गया कि मतलब नहीं यार, देखो भाई हम तो टेस्ट के दीवाने, जहाँ टेस्ट मिल गया और ऊपर से राजमा चावल मेरे फेवरेट। अब मेरा जो है ना बड़ी जाने का मन नहीं है, मैं जब भी आऊंगा खोबलू ही आऊंगा। हाँ, इन्होंने प्लान चेंज कर दिया। हाँ, चेंज। और एक अच्छी चीज है कि गाड़ी तो लगानी पड़ती है, साथ में खा भी लिया। हम लोग घर पहुंचे ही और मौसम थोड़ा थोड़ा खराब होने लग गया, हल्की हल्की बूंदे शुरू हो चुकी है। अब पता नहीं बारिश तेज आएगी कि नहीं, कि इतनी बूंदे रहेगी, क्योंकि कल भी इतनी सी बारिश हुई थी, उसके बाद बंद हो गई थी बारिश। सुनो पानी आ रहा है, मैं पानी खोल देता हूँ इनको। मैं खोल दूँ? नहीं नहीं मैं जाता हूँ, आप ये दरवाज़ा खोल दो।
अब आप लोग ही बोलो, गाड़ी की चाबी से घर खुलता है क्या? Sorry, my mistake, apologies. मैं देख रहा था ना, मैंने कहा तो कहीं गाड़ी की चाबी तो नहीं, तभी रुक गया। हम लोग टाइम से घर आ गए। आप देख सकते हैं किस तरह की बारिश शुरू हो चुकी है, और उम्मीद भी नहीं थी, सुबह देख के लग भी नहीं रहा था कि ऐसी बारिश होगी। ये देखो एकदम शुरू हो गई है। बस पहुंचे ही घर, कपड़े चेंज किए, बूंदे आ रही थी, अब इतनी तेज बारिश हो गई है। ऐसे मौसम में चाय नहीं पी तो क्या पी। देखो अपनी चाय है बिल्कुल तैयार, नेहा ने थोड़ी सी बना दी थी, अब मैं इसको बढ़िया एकदम बस लेके जाता हूँ इसे। क्या हुआ, थक गए? चाय पी लो, चाय पी के थोड़े से फ्रेश हो जाओगे। आज मैं अदरक लाई थी, अदरक वाली चाय। सही बात है, काफी टाइम बाद। और बाहर बारिश हो रही है, शुक्र है टाइम से आ गए। मैं यही बता रहा था सबको कि मैं हम बस पहुंचे ही, बूंदे शुरू हो चुकी थी, अब बहुत तेज बारिश है, तो अच्छा है कि अब घर पे रेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे में नेहा के साथ थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बाहर स्लिपरी भी हो जाता है ना, तो बारिश में ज्यादा बाहर रह नहीं सकते। अब तो बरसातें भी खत्म हो जाएगी आई थिंक, है ना? अब तो खत्म हो जाती है। तो शाम हो चुकी है, टंकी भी भर चुकी है। मैं आया था ऊपर अभी टेरिस पे, तो यहाँ से मुझे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू दिख रहा था। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि आप सब लोग जो है शिमला के व्यू को इतना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और घर के सामने जो है ना, खुद से ही इतना खूबसूरत व्यू आ जाता है। और अभी देखो वहाँ पार कहीं बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। वाओ, अमेजिंग। और ये देखो अभी तक धुंध इतनी है ना, अब सारा कवर कर देगा थोड़ी देर में। तारा देवी माँ की हल्की सी लाइट दिख रही है। तो इसी के साथ अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी खत्म करता हूँ। तो मैं इसी के साथ सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे ही खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।